What's up, Danish Truths? Welcome to Danish, and this is Danish Extreme, the one and only, the most daring channel on this beautiful planet Earth. So guys, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी बेहुदा हरकत हो रही है हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि आप सोच भी नहीं सकते, बट इन्जॉय ज़रूर कर सकते हैं. एनीवेज गाइज, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट उससे पहले प्लीज़ जाकर मेरे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में है. एनीवेज गाइज, बैक टू द टॉपिक. टॉपिक एग्जैक्टली ये है कि हमारी दिलों की धड़कन, हमारी इन द सेंस मेरी नहीं, हो सकता आपकी दिलों की धड़कन हो, नन अदर देन राखी सावंत. यस, राखी सावंत शादी कर रही हैं एक एलियन से. एलियन? हाँ, एलियन. एलियन क्या, मुझे लगता है कि हाँ, ऐसे 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 जादू, जादू भी अच्छा है उस एलियन से. वो एलियन कौन है? वो नन अदर देन, उनका नाम है दीपक कलाल. यस, दीपक कलाल से शादी कर रही हैं राखी सावंत. ठीक कर रही हैं. मैं ये दीपक कलाल के नहीं कह रहा, दीपक कलाल के फेवर में नहीं कह रहा हूँ, मैं राखी सावंत के लिए कह रहा हूँ. ठीक ही कर रही हैं, परफेक्ट बंदा चुना है आपने. आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप बहुत फूले फले, आपके दीपक कलाल जैसे छोटे छोटे दीपक कलीलियाँ हो, आपकी राखी सावंतियाँ हो आपकी, और कैरेक्टर आप लोग जैसा ना हो, हम लोग दुआ करेंगे. बट अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फालतू की जो, ये जो एक नई पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये क्या हो रहा है. वो एग्जैक्टली ये रहा है कि एक हमेशा की तरह एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें हमारी राखी सावंत जी वहाँ मौजूद थे. साथ में आए थे हमारे प्राणी, जिनका नाम था दीपक प्राणी कलाल, दीपक कलाल उनका नाम था. एनीवेज, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और प्यार जो है ना दीपक कलाल जी का, उमड़ उमड़ के आ रहा था, उमड़ उमड़ के गिर रहा था राखी सावंत के ऊपर. अब राखी सावंत ने एक होतिए वाली बात कर दी. अब वो क्या, वो ये कि वो एक साड़ी पहनकर आई थी. अब उनका कहना था कि भाई और बहनों, ये साड़ी मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने दी है. बहस किया डोनाल्ड ट्रंप ने दी. देखिए, सबसे पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत बड़े मेरे मतलब काइंड ऑफ एलियन नहीं, मतलब कि वो भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ है. भले वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, बट मुझे, मैं उनके फेवर में नहीं हूँ. बहुत लोग पसंद नहीं करते उनको, बट मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो उनको नहीं पसंद करता. बट डोनाल्ड ट्रंप जी, अगर आपने ऐसी साड़ी उनको दी है राखी सावंत, सबसे पहली बात मुझे यकीन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीज़ें, फालतू की चीज़ें छोड़कर, और एक बड़ी फालतू की चीज़ यानी कि राखी सावंत को साड़ी देने की नौबत आ गई. तो अगर आपने दी भी है तो थैंक यू सो मच, आप सही जा रहे हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप. अमेरिका का भविष्य बहुत ही सुरक्षित कर दिया आपने राखी सावंत को अपनी टीम में लेके. एनीवेज, राखी सावंत का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे ये साड़ी दी है, ऐसे कहा था. डोनाल्ड ट्रंप जी, मुझे बहुत बहुत खुशी है और आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे ये साड़ी दी, साथ में चार चार चार्टर्ड प्लेन दिए, जिसमें मैं अपने जितने भी रिश्तेदार, जितने भी लोग शादी में आएंगे, क्योंकि मेरी शादी हो रही है लॉस एंजलिस में दीपक प्राणी कलाल के साथ, दीपक कलाल के साथ, तो सारों चार जेट प्लेन में मैं भर के लेके जाऊँगी जितने भी यहाँ के मेरे गेस्ट होंगे, शायद कोई जाए, पता नहीं. तो इस टाइप की बात ये उन्होंने कह दी कि इनको चार जेट प्लेन दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बारातियों को लेके जाने के लिए. सही है, सही किया है आपने डोनाल्ड ट्रंप जी. राखी सावंत ने और भी अच्छा काम किया दीपक को चुनके. अब दीपक का क्या कहना था? दीपक का कहना था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मुझे राखी सावंत जैसी लड़की मिली. भाई, तेरी खुशी तो दिख रही है बाहर, उमड़ उमड़ के गिर रही है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पर्सनली, और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि राखी सावंत एट द एंड ऑफ द डे सेटल हो रही हैं एक बहुत ही अच्छे मतलब कि चीज़ के साथ, यानी कि आप दीपक कलाल के साथ सेट हो रही हैं. सॉरी ब्रो, दीपक कलाल का नाम लेते ही तुझे भी चोट लग गई. एनीवेज गाइस, तो यही हरकत कर दी है राखी सावंत ने दीपक कलाल की ज़िंदगी मतलब कि खुशहाल करने के लिए, और दीपक कलाल ने ये हरकत कर दी है राखी सावंत की ज़िंदगी निहाल करने के लिए. तो दोनों का हमेशा के लिए ये लोग गठबंधन में बंध जाने वाले हैं. बहुत ही जल्द लॉस एंजलिस में शादी प्लान कर रहे हैं ये लोग. पता नहीं यहीं पर कहीं पीछे कांदीवली बोरीवली में कोई छोटा सा मैदान बुक करके, पंडाल बना के, लॉस एंजलिस का बोर्ड लगा के शादी कर लें ये लोग. पता नहीं, या हो सकता है कि लॉस एंजलिस भी पहुँच जाएँ. टिकट बहुत सस्ती आती है वहाँ की, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा. अगर आप फर्स्ट क्लास में भी जाते हैं तो भी इतना खर्चा मेरी तरफ से भाई तुम लोगों को सही. लेकिन तुम लोग एक काम करो, सिर्फ शादी के लिए नहीं जी, लाइफ टाइम के लिए दीपक और
राखी, ये दोनों आप जाके लॉस एंजलिस में ही डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में जाके ही सीधा आप शिफ्ट हो जाए। इंडिया आप आए, ज़रूर आए, मोस्ट वेलकम, कभी कभी आएँ। और ऐसी हरकतें हम लोग चाहते हैं, जो आप लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे आप लोग ज्ञान देते हैं लोगों को, ये सारे अमेरिका में भी जाके थोड़ा सा फैलाएं। इंडिया आप लोगों से तृप्त हो चुका है, ओवरफ्लो हो रही है हमारी प्रेम की टंकी, मोटर बंद करना चाहते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज़ USA चले जाएं और वहाँ के लोगों का भी मार्गदर्शन करें। दीपक जी अपनी कलाली वहाँ पर भी आप बौछार करें, राखी जी आप भी अपना सावंत वहाँ थोड़ा जाके बरसाएं, ताकि उन लोगों पर भी आपकी कृपा दृष्टि पड़े और वो लोग भी, समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग हैं वैसे हो जाए। कभी कभी तो रात के वक्त मुझे दीपक कलाल के सपने आ जाते हैं और मैं उठ के बैठ जाता हूँ, ये सोचता हूँ कि भैंस की आँख, मुझे सपने आ रहे हैं दीपक कलाल के, कहीं कोई केमिकल लोचा तो नहीं है। राखी सावंत के आते तो भी ठीक था, लेकिन ये दीपक कलाल मेरे सर में इस तरीके से घुस चुका है, आप लोगों के भी सर में इस तरीके से बैठ चुका है कि इस इंसान को एक ही चीज़ सुधार सकती है, वो है राखी सावंत। अब भगवान भरोसे कौन किसको सुधारता है, कौन किसको बिगाड़ता है, दीपक अपनी ज़िंदगी सफल कर लेते हैं या फिर राखी सावंत इनकी सफल करा देती है इनकी यात्रा, वो तो बाद में ही पता चलेगा। एनीवेज गाइज, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये लोग अब दाम्पत्य जीवन सुखी गुजारने वाले हैं। और एक चीज़ दीपक गलाल जी, आपके लिए तो खुशखबरी है, ये दुखखबरी पता नहीं, लेकिन ताला वाला सिस्टम, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें राखी सावंत ने कहा था कि नीचे ताला लगा लें ताकि आपकी इज्जत सलामत रहे, तो मुझे नहीं लगता राखी सावंत जी आपको दीपक कलाल के लिए ताला लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास, समझ रहे हैं ना, इनके पास वो पेन ही नहीं है जिसमें रिफ़िल हो, समझ रही है ना आप, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ताला नितार के फेंक दीजिए, सही बंदा चुना है आपने, लाइफ टाइम इनकमिंग आपकी फ्री हो जाएगी और आउटगोइंग बंद हो जाएगी। तब तक के लिए गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसको क्लिक करेंगे तभी जाके मेरी ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच पाएंगे। एनीवेज गाइज, दिस इज इट, कीप लविंग दानिश, कीप वॉचिंग दानिश एक्सट्रीम, तब तक के लिए चाओ।